वेल हेलो गाइस, वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित कुमार फिर से आया हूँ आपके सामने हमारे हिस्ट्री का सीरीज का एक नया टॉपिक लेके। नेक्स्ट क्लास जब हम लोगों ने अपना क्लास खत्म किया था तो हम लोगों ने हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में पढ़ा था। उस पॉपुलर रिवोल्ट से रिलेटेड आज का हमारा ये टॉपिक है। तो जैसा आप देख रहे हो, रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स 1848। आप बोलोगे सर अभी तो हमने एक रिवोल्यूशन किया था 1848 का, कौन सा? वही हंगर, हार्डशिप, से भूख सबको लग रहा था, हार्डशिप, मेहनत, पसीना आ रहा था, रिवोल्ट हो रहा था, लोग ने लुईस को भगाने का सोच लिया था, वो जगह से भाग भी गया था, लोग ने फिर नेशनल असेंबली भी बनाना अपना शुरू किया था। तो अब ये कौन सा रिवोल्ट आ गया वापस है? तो देखो, वो जो रिवोल्ट हुआ था ना, वो छोटे छोटे पीजेंट्स लोगों के द्वारा हुआ था, छोटे कर्मचारी, बिजनेसमैन के साथ हुआ था। और आप जो हम लोग करने वाले हैं, दिस रिवोल्ट इज हैज बीन डन बाय द लिबरल्स, दिस रिवोल्ट हैज बीन डन बाय द लिबरल्स, जो कि दे वेर हायर देन द हंगर एंड द हार्डशिप। अब लिबरल्स वाले वर्ड से किसी को याद आ रहा है? वो लोग जो अपने जो एजुकेटेड हो गए थे, जो क्या हो गए थे? एजुकेटेड हो गए थे और अपने आप को क्लर्जी ऐसे समझने लगे थे कि हम तो उसी के लेवल के हैं। तो उन लोग ने अपना एक अलग पोस्चर हटके अपना अलग लिबरलिज्म वाला किया था। सबको याद होगा लिबरलिज्म वाला, जिसको याद नहीं होगा वो वीडियो जाके देख लेना लिबरलिज्म वाला। तो हंगर हार्डशिप का बात जब शुरू हुआ ना, तो दिस रिवोल्यूशन, ये जो रिवोल्यूशन इज पैरेलल टू द रिजल्ट्स ऑफ द पुअर, वही पुअर पीजेंट्स वाला बात को। सो लेड बाय द लिबरल मिडिल क्लास, भले ही मेन हो या फिर वोमेन्स हो। यस, ये हम लोग का पहला टॉपिक है जिसमें मेन के साथ वोमेन्स भी है, जो इसमें साथ दे रही है, लड़ रही है, किसी के लिए? नेशनलिज्म के लिए। सो कॉन्स्टिट्यूशनल विद द नेशनल यूनिफिकेशन, याद है लिबरलिज्म का जो चला था, वो लोग ने भी तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोचा था जो लिबरलिज्म से रिलेटेड था। तो यही वाला के लिए ये लोग ने नेशनल यूनिफिकेशन को लेकर लड़ाई करना शुरू किया। इसी को लेकर हमारे बुक में प्रूशिया का एग्जाम्पल है, प्रूशिया, उसमें बुक में लिखा हुआ जर्मनी, पर जर्मनी को पहले हम लोग ना प्रूशिया बोलते थे, क्योंकि पहले के जमाने में नेशन स्टेट्स नहीं था, उसी के लिए तो लड़ाई हो रहा है, वही नेशन स्टेट्स बनने की तो लड़ाई हो रहा था, वही उस समय हम लोग उसको प्रूशियन कैपिटल कहते थे। क्या कहते थे? प्रूशियन कैपिटल कहते था। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं आखिर हम लोग प्रूशिया या फिर जर्मनी, आखिर सिचुएशन क्या था, आखिर जो लिबरल वाला जो था वो लोग रिवोल्ट कैसे करने वाला है, उन लोगों का रिवोल्यूशन का बात कैसे आने वाला है 1848 में। तो देखो, मिडिल क्लास ग्रुप्स जो थे, जितने भी मिडिल क्लास वाले लोग थे, वो सब गए फ्रैंकट पार्लियामेंट में। उन लोगों ने एक पार्लियामेंट का नाम जो है, उसका नाम क्या है? फ्रैंकट पार्लियामेंट। और इसमें देखो, पहले उसका नाम फ्रैंकट नहीं था, रियल में वो एक सेंट पॉल चर्च है, वो क्या है? एक सेंट पॉल चर्च है, वहां पर गए। उन लोग ने बोला अब से ये हम लोग का फ्रैंकट पार्लियामेंट है। और वो लोग उस जगह में गए क्यों? व्हाट वाज द मोटिव टू गो देयर? द मोटिव वाज टू गो देयर टू वोट फॉर एन ऑल जनरल जर्मन नेशनल असेंबली। वो लोग वहां पर जाके एक नेशनल असेंबली बनाए, और असेंबली का नाम क्या रखा? ऑल जर्मन, ठीक है, ऑल भी, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। और ये जो असेंबली बना, इसको हम आपके बुक में एक वर्ड है, मे रेवोल्यूशन, जो हमारा MAY, मे रेवोल्यूशन। और ये मे रेवोल्यूशन कब हुआ था? इट वॉज डन ऑन 18th May 1848। इसी से आपका बुक का इसको नाम देते हैं 18th May 1848, जो कि कहां हुआ था? जर्मन में हुआ था, जिसका जर्मन को पहले नाम क्या था? प्रूशिया नाम था। सो इस नेशनल, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाने के लिए इन्होंने क्या किया पता है? 301 members drafted a constitution. Assembly बनाने का main motive क्या था? Constitution बनाने के लिए। और constitution कितना लोग बनाया? 831 members. और सबसे important point इसमें क्या है ना, इन लोगों का जो राजा था, राजा का नाम क्या है? देखो, फ्रेडरिच विलियम फोर, वो भी इस पार्लियामेंट में था, वो भी इस फ्रैंकट पार्लियामेंट में था। पर ये जो राजा है, द किंग, उसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाना है। क्या मैंने बोला? उसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन कौन बना रहा है? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। और वो कौन है? दे आर द लिबरल्स, दे आर द मिडिल क्लास ग्रुप्स। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा ड्राफ्ट किया ना, तो जो फ्रेडरिच विलियम है, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, और वो गए उनके पास, बोले कि किंग, ये लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसे देखो, इसे पढ़ो।
और उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा था पता है, क्योंकि वो लोग तो लिबरलिज्म वाले सोच पे चलते थे, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि हम आप राजा रहो, कि फ्रेडरिक विलियम फोर आप किंग ऑफ प्रूशिया रहो, पर आपके बातें अब नहीं चलेंगे, आपके बातें कि आपके जो पावर्स है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे, वो उनको तोड़ दिया जाएगा, आपके राइट्स को लिमिट कर दिया जाएगा, मेन वर्ड है उनके राइट्स को लिमिट कर दिया जाएगा। अब देखो कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि उसके राइट्स को लिमिट हो जाए, तो वो अपने आप को बचाने के लिए, द किंग ऑफ प्रूशिया रिजेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो किंग ऑफ प्रूशिया है उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया, लोग भड़क गए, लोग सोचे कि हमारा पहला जो मुकाम था रेवोल्यूशन ऑफ 1848 वो भी कौन सा लिबरल वाला मिडिल क्लास वाला, वो फेल हो गया, द पार्लियामेंट फेल, और ये इसने क्या क्या ये जो हमारे थे फ्रेडरिक विलियम ने इसने अदर अदर राजा से जाके मिलके संगठन बैठा के बोला कि इसको बंद करो, ये जो फ्रैंकेट पार्लियामेंट है इसको बंद करो। और इसी के साथ ना कुछ कुछ विमेन्स ने भी साथ दिया था, हमने पढ़ा था ना विमेन्स ने भी कुछ साथ दिया है, तो वो विमेन्स ने क्या क्या सपोर्ट किया हम लोग वो देखते हैं। तो वो कहते हैं ना हर सज्जन पुरुष के एक पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वैसे ही यूरोप में जो स्ट्रगल चल रहा था ना उसमें भी वुमेन्स का बहुत ही हाथ गया, बहुत ही सहारा दिया, वुमेन्स ने सपोर्ट किया, वुमेन्स ने हिस्सा किया। तो चलो देखते हैं कि उसमें किन किन जगहों में उन्होंने सपोर्ट किया उसे वुमेन्स ने। सो वुमेन्स हैव टू फेस इश्यू इन द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द वुमेन्स, वुमेन्स को अपना देश का हक के साथ वुमेन्स ने भी अपने हक की लड़ाई बहुत लड़ी। क्या उन्हें वो हक की लड़ाई की वजह से उनका रिजल्ट फेवर में था, पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? तो देखो वुमेन्स प्ले अ मेजर रोल इन द रिवोल्यूशन। कैसे? जब हस्बैंड जो थे जब रिवोल्यूशन में बाहर जाते थे, मैं देखो मैं बहुत पुराना आदमी पता है, हम उधर जाके ये सब स्टोरी देखे, क्योंकि मेरी वाइफ भी कोई थी वो मालूम है, मेरे हम जब लड़ाई करने जाता था यूरोप में तो वो क्या करती थी ना, वो घर में बैठी रहती थी, बच्चों को संभालती थी, काम करती थी, क्योंकि हम तो वॉर में है, अर्निंग कौन करेगा, मेरी वाइफ काम करती थी, वो अर्निंग करती थी, वो बच्चों खिलाती थी। तो वुमेन्स ने बहुत ही सपोर्ट किया, भले ही फाइट में नहीं, फील्ड में नहीं, वॉर फील्ड में नहीं, पर होम फील्ड जो था ना उसमें उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। साथ ही साथ वुमेन हैड फॉर्म, वुमेन्स ने, मेरी वाइफ ने क्या किया ना, अपना एक फॉर्म की पॉलिटिकल एसोसिएशन, वुमेन्स का अपना एक एसोसिएशन बना कि हम लोग वुमेन्स के लिए, उन लोग जो वुमेन्स थी अपना हक करेगी। जैसे मम्मी लोग का होता है ना किटी पार्टी होता है जिसमें हम लोग अपना सिर्फ लड़की लोगों का डिस्कशन करते हैं, चुगल करती है, अरे बगल वाले आंटी ये उसके साथ ऐसा हुआ, तो वैसे इन लोग ने क्या बोला ना कि हम लोग अपना राइट्स के लिए, ये लोग किटी पार्टी जैसे वाले औरत नहीं थी, ये लोग अपना राइट्स के लिए पॉलिटिकल एसोसिएशन बने कि ये लोग समाज में अपना हक जमाएंगे, क्योंकि समाज में उस समय भी उस अभी का जो हाल है ना वुमेन्स का उस समय तो और बदतर था, वुमेन्स को और अच्छे नजर से नहीं देखा जाता था। तो टेकन पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग्स, जितने भी नेशनल असेंबलीज हुए, सो डिस्पाइट दिस डिनाइड द सफरेज, जितने भी नेशनल असेंबलीज हुए, जो जर्मन नेशनल असेंबली कह लो, फिर जो हम लोग नेशनल असेंबली जो स्टार्टिंग में बना था, जो नेशनल असेंबली हो वुमेन्स ने अपना गया। आप लोगों को पता है जब लोग स्टार्टिंग में सेकंड लेक्चर में जब लोग गए थे, जब वो नेशनल असेंबली में गया, फ्रेंच रिवोल्यूशन वाला भी देखे, तो क्या किया गया था, वुमेन्स को बाहर रख दिया गया था, बोला गया तुम लोग अंदर मत आओ, हम लोग जाएंगे अंदर, वी आर मेन्स। तो मेन्स ने अंदर गया, वुमेन्स को उसमें जाने नहीं दिया, पर दे सपोर्ट में थे, तो वैसे ये लोग भी सपोर्ट में थे। तो डिस्पाइट दिस, इतना मेहनत के बाद भी डिनाइड द सफरेज राइट्स ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द नेशनल असेंबली, इतना मेहनत करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ इन लोगों को भी नेशनल असेंबली में, इन लोगों को राइट्स नहीं मिला, इन लोगों को वोटिंग का भी राइट्स अभी तक नहीं मिला। और आपको रियल फैक्टर एक्स फैक्टर बताओ, इन लोगों को रियल में, मतलब अगर मैं इधर से चैप्टर से हट के बोलूं, रियल में कौन सा डेट था जब इन लोगों को वोटिंग राइट्स मिला था, वो था हमारा 15 अगस्त 1947 के एक दिन पहले, 14 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद होने वाला था ना, उससे एक दिन पहले इन लोग को वोटिंग राइट मिला। क्या मिला इन लोग को? वोटिंग राइट मिला। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे इसको आगे बढ़ना नहीं बोलना चाहिए। तो पता है क्या होने लगा, रिवोल्यूशन का जो पार्लियामेंट का जो प्लान बना वो तो फेल हो गया था, पर लोगों ने वो रिवोल्यूशन का जो चटनी होता, जो कहते हैं ना कि अचार खा लो तो स्वाद वाला आता है, तो लोगों ने वो चटनी वाला स्वाद ले लिया था कि रिवोल्यूशन में कितना मजा आता है, रिवोल्यूशन से कितना बेनिफिशियल हो सकता है रिवोल्यूशन, तो लोग फिर से तो पक्का ट्राई करेंगे ही करेंगे। ये मोनार्कीज लोग को, जो वहां के राजा थे, जो उस समय का किंगडम्स टाइप था, उन लोगों को समझ में आ गया कि अब हम लोगों को स्टॉप तो नहीं कर सकते हैं,
तो इसलिए हम लोग ने कुछ स्टेप्स लेना चाहिए। एक उन्होंने स्टेप लिया कि हम लोग को ऐसा दिखाए कि ठीक है हम लोग तुम्हारे सपोर्ट में है, मतलब कि उन लोग को झांसा दिया जाए, पर वो झांसा नहीं वो विनिंग था। तो देखो हम लोग क्या करने वाले, देखो सो द कॉन्जर्वेटिव फोर्स, कॉन्जर्वेटिव कॉन्जर्वेटिव मतलब आपको पता था कौन, जो ट्रेडिशनल सोच को लेके कुछ मॉडर्न टेक्निक्स को लेकर चलते हैं, ट्रेडिशनल सोच भी है लेकिन कुछ मॉडर्न भी है, तो उन सोच को लेके जो होता है ये लोग फोर्स करने लगे थे किसको, कि नहीं ये जो रिवोल्यूशन का बात आ रहा है इन लोग को हटाओ, रिवोल्यूशन को बादिमाग से सबको हटाओ, पर हटाना इतना आसान था नहीं। मोनार्कीज बिगनिंग टू रियलाइज दैट साइकिल्स ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिप्रेशन, जो ये रिवोल्यूशन का जो पहिया घुमा है ना एक बार, अब ये घूमते ही रहेगा, अब ये रुकने का नाम ही लेगा, भले धीरे घूमे लेकिन घूमेगा जरूर। सो कुछ समय के लिए रुका है, मतलब सिर्फ कुछ समय के लिए स्टॉप हुआ है, लेकिन हमें सबको पता है कि रिवोल्यूशन तो भैया फिर से होने ही वाला है। सो द हैज़बग, तो इन लोगों ने क्या किया, मोनार्किस वालों ने क्या किया, ये लोग ने बोला ना इससे पहले कि लोग हमसे हमारा जगह छीन ले, हम लोग को इधर उधर भागना पड़े, जैसे कि वो राजा लुईस भाग गया था, अब हम लोग का कहीं बारी ना आ जाए, तो ये लोग ने उन लोगों को रिलैक्सेशन के लिए बोला भैया ऐसा करो तुम हैज़बग रूलर्स है ना वो तुम ले लो। हैज़बग रूलर्स ने बोला ग्रांटेड मोर ऑटोनोमी टू द हंगेरियंस, हैज़बग रूलर के अंदर कौन आता है, हंगेरियंस, कि तुम ये ले लो 1867 बोला, ताकि तुम लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ताकि तुम लोग को लगे झांसा देने के, उन लोगों को लगे कि हाँ तुम्हारे सपोर्ट में हम, पर हम नहीं चाहते कि तुमको हम पूरा बाउंड्रीज दे, तुम मेरा जगह राइट्स को खत्म करो। उन लोगों का मेन फैक्टर था कि मेरा राइट्स ना खत्म हो जाए, मेरा सीट जो है हमको कहीं भगवान ना दे लो, तो उसको बचाने के लिए लोगों ने ऐसा स्टेप लिया था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का वीडियो एंड होता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन वाला जरूर दबाना, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास आए। तो चलो टाटा बाय बाय।